स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। समाचारों में चर्चित चैटफील्ड समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए रक्षा नीति, विकल्प बी कृषि सुधार, विकल्प सी दूरसंचार विनियमन या विकल्प डी आर्थिक नीति समीक्षा। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए रक्षा नीति। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसियों द्वारा अफ्रीका और भारत से दास श्रमिकों को इस द्वीप पर लाया जाना। दूसरा, वर्ष 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद यूनाइटेड किंगडम द्वारा इसका नियंत्रण अपने हाथों में लेना। तीसरा, वर्ष 1965 में इस द्वीप का ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का भाग बन जाना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपर्युक्त विशेषताओं को सबसे बेहतर रूप से वर्णित करता है? विकल्प ए सेशल्स, विकल्प बी फिजी, विकल्प सी मालदीव, विकल्प डी चागोस द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी चागोस द्वीप समूह। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में आमतौर पर संरक्षक कृत्रिम रंग और स्वीटनर्स जैसे योजक होते हैं। दूसरा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन से आंत के माइक्रोबायोम स्वास्थ्य में विकार होता है। तीसरा, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स में प्री पैकेज्ड स्नैक्स और रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल एक और दो, विकल्प सी केवल दो और तीन या विकल्प डी एक दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी केवल एक और दो। मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स में प्री पैकेज्ड स्नैक्स और रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ शामिल नहीं होते हैं, अतः कथन तीन सही नहीं है। भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत निम्न शैक्षणिक स्वतंत्रता वाले देशों में से एक है। दूसरा, AFI के अनुसार भारत अब आंशिक रूप से प्रतिबंधित श्रेणी में है। तीसरा, राजनीतिक नियंत्रण और बहुसंख्यकवादी धार्मिक एजेंडे भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने से संबंधित प्रमुख चिंताएं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। AFI के अनुसार भारत अब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित श्रेणी में है, जो 1940 के दशक के मध्य के बाद से इसका सबसे निम्न स्कोर है, अतः कथन दो सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कैरेबियन सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा, यह हैती के पश्चिम और क्यूबा के दक्षिण में स्थित है। तीसरा, इसे वर्ष 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा यह राष्ट्रमंडल का सदस्य है। उपरोक्त विशेषताओं में निम्नलिखित में से किस द्वीपीय देश का वर्णन किया गया है? विकल्प ए जमैका, विकल्प बी बारबाडोस, विकल्प सी त्रिनिदाद और टोबेगो या विकल्प डी सेंट लूसिया। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए जमैका। लिटिल प्रेस्पा झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अल्बेनियाई ग्रीक सीमा पर स्थित है। दूसरा, यह यूरोप की सबसे पुरानी विवर्तनिकी झीलों में से एक है। तीसरा, किलिमंजारो पर्वत प्रेस्पा झील को ओहरिड झील से अलग करते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। गैलिसिका पर्वत प्रेस्पा झील को ओहरिड झील से अलग करते हैं, जो यूरोप की सबसे पुरानी और गहरी झीलों में से एक है, अतः कथन तीन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। दूसरा, भारत तिलहन के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जो खाद्य तेलों की घरेलू मांग का 57% हिस्सा है। तीसरा, पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ पाम ऑयल के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी सभी तीन। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CRO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, CRO केवल एक वाणिज्यिक इकाई या कानूनी दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थान ही हो सकता है। दूसरा, प्रायोजक से CRO को जिम्मेदारियों का हस्तांतरण लिखित रूप में किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CRO
वाणिज्यिक, शैक्षणिक, व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाला या कानूनी दर्जा प्राप्त कोई भी निकाय हो सकता है, अतः कथन एक सही नहीं है। टाइफून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टाइफून उष्ण सागरीय जल के ऊपर निर्मित होते हैं और इनकी वायु गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक होती है। दूसरा, टाइफून के कारण उत्तरी गोलार्ध में कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर वायु दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल एक। उत्तरी गोलार्ध में तूफान के दौरान वायु कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर वामावर्त प्रवाहित होती है, अतः कथन दो सही नहीं है। हाल ही में चर्चा में रही मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय कार्ययोजना तथा वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्ययोजना निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? विकल्प ए जलवायु परिवर्तन शमन, विकल्प बी वृद्ध जनसंख्या और वृद्ध जन देखभाल, विकल्प सी वैश्विक व्यापार और वाणिज्य, विकल्प डी मानवाधिकार और शरणार्थी संरक्षण। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी वृद्ध जनसंख्या और वृद्ध जन देखभाल। हैजा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आंत के संक्रमण के कारण होने वाली एक तीव्र दस्त संबंधी बीमारी है। दूसरा, कुपोषित बच्चों और एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्तियों में मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। तीसरा, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित केवल एक ही हैजा वैक्सीन है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एबीडीएम को सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एबीडीएम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी एक और दो दोनों। भुगतान संतुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश भुगतान संतुलन के चालू खाता भाग के मुख्य घटक हैं। दूसरा, भुगतान संतुलन अधिशेष तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी कोई नहीं। पूंजी खाता किसी देश की परिसंपत्तियों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश और देनदारियों जिसमें ऋण और उधार भी होता है में परिवर्तन रिकॉर्ड करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। भुगतान संतुलन घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, अतः कथन दो सही नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, FSSAI उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। दूसरा, FSSAI खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी कोई नहीं। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसका सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। महालया और इसके महत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महालया वह दिन है जब देवी दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और राक्षस राजा महिषासुर का वध किया था। दूसरा, यह देवी पक्ष के अंत और पितृपक्ष के आरंभ का प्रतीक है। तीसरा, कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को के प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल एक और दो, विकल्प सी केवल दो और तीन, या विकल्प डी केवल एक और तीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी केवल एक और तीन। महालया पितृपक्ष पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए समर्पित अवधि के अंत का प्रतीक है और देवी पक्ष देवी दुर्गा की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है, अतः कथन दो सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में मंदिरों के राज्य विनियमन की ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प एक,
धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863 का उद्देश्य मंदिर का नियंत्रण बिना किसी सरकारी निगरानी के पूरी तरह से धार्मिक समितियों को हस्तांतरित करना था। दूसरा, शिरूर मठ मामले 1954 में फैसला दिया गया कि धार्मिक संस्थाएं बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने कार्यों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर सकती हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।